नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे वात दोष की। तो वात दोष के क्या लक्षण हैं और क्या उसमें उपाय हमको करने चाहिए, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षण की। तो जो वात है, वात से मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि वात का जो लक्षण होता है वो उसमें हमें रूक्षता देखने को मिलती है, लघु हमें एक हल्कापन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो वात दोष जिनमें प्रधान होता है उनका जो वजन है वो हमें कम देखने को मिलेगा। शरीर पतला हमें हमेशा देखने को मिलेगा, जोड़ों में दर्द, अगर वात रोग प्रकोपित होता है तो जोड़ों में दर्द हमें देखने को मिलेगा, चंचलता, अस्थिरता, एक डर उनमें हमेशा बना रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, जठर अग्नि जो है वो विषम रहती है, यानी कि जो पेट है, कब्ज की समस्या उनमें हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है, उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय क्या है। उपाय में जैसे कि हमने आपको बताया कि वात में रूक्षता हमें देखने को मिलती है, एक रफनेस हमें देखने को मिलेगी। जब वात दोष प्रकोपित होगा तो त्वचा में एक रफनेस, एक रूखापन देखने को मिलेगा, एक दरार सी हमें देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या है, रूक्षता में हमें क्या लेकर आना है, स्निग्धता। ठीक है, रूखापन है तो उसके मुलायम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बताया गया है आयुर्वेद में तिल के तेल का सेवन बताया गया है कि तिल के तेल का सेवन करना है। ठीक है, तो आप उसको छौके के साथ ना यूज़ करके आप क्या करें, तिल के तेल को अपनी दाल में डालकर आप उसको खा सकते हैं, रोटियों पर लगाकर तिल के तेल को खा सकते हैं। और साथ ही साथ अभ्यंग भी बताया है कि तिल के तेल का अभ्यंग भी आप करें। ठीक है, तो अभ्यंग कहाँ पर बताया गया है, अभ्यंग के तीन मुख्य स्थान उन्होंने बताए हैं आयुर्वेद में, सिर में, कान में, तो कान में लगाना नहीं है, कान में डालना है, और आपके पाँव के तलवों पे। तो तीन स्थान अभ्यंग के बताए हैं। ठीक है, तो अगर तिल का तेल आपके पास ना हो, अवेलेबल ना हो, या आपके जिस जगह आप रहते हैं उस जगह तिल का तेल ना मिलता हो, तो आप मूंगफली का तेल, नारियल का तेल का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें और भी तेलों को बताया गया है, जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका योगा अभ्यास। तो योगा अभ्यास में पवन मुक्तासन समूह एक, ठीक है, मेरा दूसरा YouTube चैनल है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस चैनल में मैंने पवन मुक्तासन समूह एक के बारे में बताया हुआ है। वो वात रोगों के लिए है कि वात रोगों को किस तरीके से हम योगाभ्यास से दूर कर सकते हैं, तो उसमें मैंने पवन मुक्तासन समूह एक के बारे में बताया है। पवन मुक्तासन समूह तीन तरीके के होते हैं, तो उसमें पहला जो है वो वात रोगियों के लिए, जिनमें वात बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज़्यादा योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, बॉडी मूवमेंट उनमें बहुत कम है, तो उनके लिए भी पवन मुक्तासन समूह एक को बताया गया है। ठीक है, दूसरा बताया गया है नस्य, तीसरा जो बताया गया है, तीसरा नस्य बताया गया है। तो नस्य में क्या करना होता है, नाक में आपको तेल की बूंदें डालनी है, अगर तेल की बूंदें डाल नहीं सकते हैं तो आप अपनी उंगली में तेल को रख के इस तरीके से आप नाक में तेल को इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो नस्य आप करें, सुबह कर लें, ठीक है, सुबह शाम भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा है आपका कि सुबह की धूप, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत वॉक सुबह के टाइम पे करनी है, और सुबह की धूप आपको ज़रूर लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जिसके शरीर में वात प्रधान है उन लोगों को भी वात प्रधान है, तो उन लोगों को भी ये जो उपाय है ये फॉलो करना है ताकि वात प्रकोपित ना हो, क्योंकि वात प्रकोपित होगा तो वात प्रकोपित होने पर हमें 80 प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो 80 प्रकार की बीमारियां इसमें बताई गई है कि वात प्रकोपित होने पर 80 प्रकार की बीमारियां होती है, जिसमें से हम कुछ बीमारियों को जानते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है। ठीक है, क्योंकि वात में हमने देखा कि रूक्षता है ना, तो रूक्षता यानी कि रफनेस, रूखापन बढ़ जाएगा, तो जोड़ों में भी रूखापन बढ़ जाएगा, जो हमारा क्या है, साइनोवियल फ्लूड है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, स्निग्धता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, चिकनाई धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे तिल के तेल का सेवन बताया ताकि वो स्निग्धता बनी रहे। ठीक है, तो जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, तो ऐसे ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, तो इसमें से हम कुछ बीमारियों को आज के टाइम पे जानते हैं, तो 80 प्रकार की बीमारियाँ हमें वात में देखने को मिलती है। दूसरा, पित्त में भी अगर हम बात करें तो पित्त में भी अगर पित्त प्रकोपित होता है तो उसमें हमें 40 प्रकार की बीमारियों का देखने को मिलता है,
और कफ अगर प्रकोपित होता है तो कफ प्रकोपित होने पर हमें 20 प्रकार की बीमारियां, 20 प्रकार की समस्या हमें हमारे शरीर में देखने को मिलती है। तो हमारे शरीर में इनकी जो अवस्था है वो सम बनी रहे उसके लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर उपाय बताए हैं, तो इनका उपयोग करके आप अपने वात को सम रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, ताकि ये आगे चलकर आपको दिक्कत ना दे।